जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, हिंदुस्तान के जितने भी मंत्रीगण हैं और हिंदुस्तान की सवा सौ देशवासियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहम्मद जलील सियास नालको दामन जोड़ी से हूँ। श्रीमान, मैं वर्तमान 27 तारीख को मैं लाइव दिया था फेसबुक में। मेरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासी सब लोग मेरा समर्थन किए, प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किए, हिंदुस्तान के सभी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जितने भी हैं, जो प्रधानमंत्री जी को 27 तारीख से मेरा वीडियो चल रहा और उसके बाद 30 तारीख को भी मेरा एक वीडियो चलने लगा। कम से कम 60,000 मेरे हिंदुस्तान के देशवासियां मेरे साथ, नाइंसाफी भी मेरे पीछे वो सब खड़े हैं। उन लोगों को मैं सच्चे दिल से, मेरे बच्चे और मेरे परिवार, मेरे सब लोगों से, आप लोगों को मैं नमस्कार, दिल से नमस्कार। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, हाथ जोड़ के सबको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। श्रीमान, मैं कोई गलती नहीं किया, मुझे 11 चार्जशीट दिया गया। मेरे को इतने दिन हो गया, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है, रिक्वेस्ट कर रही है मेरे लिए। मैंने नौकरी नहीं मांगा, मैंने मैंने मांगा इंसाफ। मैं 20 साल नौकरी, एक सफेद पेपर जैसा मैं नौकरी किया। मेरे को कमांडेंट श्री जोपनीय जो साहब, उनके काले करतूतों के लिए मैं आवाज उठाया। देश की संपत्ति लूट रहे थे, क्या मैं उनके साथ चोर बनना था? क्यों नहीं सिखाया गया हमारे को ट्रेनिंग सेंटर में? अगर कोई अधिकारी कुछ बोलता है, वो अधिकारी जैसा बोलता है वैसा चुनना चाहिए। ये ट्रेनिंग में भी हमें सिखाना चाहिए था। ट्रेनिंग करके यूनिट में आने के बाद इतना घोर गलत काम करवाया जाता है। कमांडेंट के घर में 20-20 जवान काम करता है। मेरा भाई मर गए तो मुझे छुट्टी नहीं दिया गया। क्या हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं? मैं इतने दिन हुआ, मैं गिड़गिड़ा रहा, मेरी आवाज कम से कम देश की जनता 50-60 हजार जो देश की जनता मेरे साथ खड़े होकर आवाज उठाई, प्रधानमंत्री जी को गुजारिश कर रही है, कोई आज तक मेरी आवाज अभी तक सुने नहीं। हिंदुस्तान की मीडिया मीडिया भी मेरी आवाज उन तक पहुंची नहीं है। मैं अभी थक हार गया, 4 साल से मैं मारे मारे भटके भटके फिर रहा हूँ। मैं अभी पूरा टूट गया हूँ। मैं अभी आखिरी मेरा ये वीडियो है, मैं ये वीडियो पूरा हिंदुस्तान देखने के बाद, मैं और मेरा बच्चा, मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मेरा बड़ा लड़का, मेरे पास इतना डॉक्यूमेंट है, 2 बक्सा भर सीएसएफ का जो बक्सा भर मेरे पास कागज, इतना सबूत है मेरे ऊपर। अगर 11 चार्जशीट में एक भी चार्जशीट अगर मेरे ऊपर सीधी हुई तो मुझे फांसी की मांग कर रहा हूँ। कई लोग जो कमांडेंट के जो लोग मेरे फेसबुक में टिप्पणी कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध अगर कोई अगर आ जाता है तो, कोई भी लेके आया, अगर मैं गलत आदमी बोल के दिखा दे तो मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के पास, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैं अपील भी नहीं डालूंगा, मैं क्षमा भिक्षा भी नहीं मांगूंगा। मैं 1 हफ्ते बाद पूरे मेरा फैमिली और बच्चे आके हम इंडिया के राजधानी में पूरा कागज लेके आऊंगा, 5-6 सेट बना के दिल्ली में जगह जगह पे मैं छोड़ दूंगा। जहां भी है दिल्ली में, हम पूरा परिवार मर जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान की सवा सौ करोड़ देशवासी कभी माफ नहीं कर सकता है। मैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं तो चाय वाला हूँ। साहब, मैं भी चाय वाले का बेटा हूँ। मैं जब तक नौकरी नहीं मिली, मैं भी चाय बेचता था। आज भी मेरी होटल चल रही, मेरे भाई लोग होटल चलाते हैं। क्या मैं भी आपके जैसा ही चाय वाले का बेटा हूँ? क्या श्रीमान, आप तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी मैं चाय वाला हूँ, मैं ये खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा नहीं ना खाने दूंगा। क्या आपने जो अधिकारी चोर लुटेरा, मैं कई बार आपके, मेरे बच्चे को लेके आके आपके कार्यालय में मैं इतने तारीख को देखिए, मैं ये एप्लीकेशन आपके कार्यालय में रिसीव करवाया। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सबके मैं आके ये एप्लीकेशन दिया। मेरे बच्चे को लेके देखिए, ये प्रधान इंडिया गेट के सामने फोटो उतरा, प्रधानमंत्री जी को जाके मिला, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में मेरे भाई मर गए तो छुट्टी नहीं दिए। पार्लियामेंट में
कई बार मैं पार्लियामेंट में गया, कई बार मैं पार्लियामेंट में जाके, ये देखिए सब देखिए, लेटर देखिए, ये पार्लियामेंट में कई बार गया मैं, कोई मेरी कोई मेरा आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रहा। क्या मैं देश की सेवा के लिए, मैं देश के लिए सर कटाने के लिए, मैं देखिए गृह मंत्रालय के कई लेटर मेरे पास, मैं जाके इंसाफ मांगा, मैं नौकरी नहीं मांग रहा हूँ। जो अधिकारी जो चोर लुटेरा उसी का सब साथ दे रहे हैं, क्यों? क्या ये देश चोर लुटेरों के लिए ही है? क्या सच्चे जो जवान जो है, अगर ऐसा मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हिंदुस्तान में कोई जवान कैसे ड्यूटी कर सकता है? एक बार सोचिए, LOC पे और देश में मेट्रो से लेके हर जगह हमारा जवान रात भर जगता है, तो देश की जनता और सब सुरक्षित सोते हैं। हर जगह हमारे जवान जो ड्यूटी करते हैं, जवानों के साथ हिंदुस्तान में इतना प्रताड़ित हो रहा, क्यों? प्रधानमंत्री जी, इसकी CBI जांच, लोकायुक्त की जो विजिलेंस हो, किसी का छापा नहीं मारा जा रहा। जो कमांडेंट जोपनीय जोजी ने यह चर्च बनवा रहे थे, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा चर्च बनवा है, हिंदुस्तान का प्लांट लूट रहे थे, मैं इसमें विरोध किया। कुछ जवान FC भैरा श्रीनिवास, ये PK यादव, कई जवानों को जनरल शिफ्ट में लगा के ड्यूटी रखे हैं। ये रात के टाइम में इनका काम है सामान लूटना है, सामान ले जाना है। जो बबुली के पास में जो वहाँ पे कमांडेंट अपना घर, वहाँ एक हेड कांस्टेबल रामाकृष्णा अपना घर वहाँ पे जमीन खरीदवाया कमांडेंट को, वहाँ पे घर बनाया, कई जवान हमारे जवान जाके वहाँ घर में काम किए हैं। मेरे पास कई सबूत है। हिंदुस्तान की जो मंत्री लोग मुझे क्यों इंसाफ नहीं दिला रहे मेरे खिलाफ, जो मीडिया क्यों नहीं खड़ा हो रहा? क्या अगर इंसाफ नहीं देंगे तो मैं सीधा बताया जाए कि इंसाफ हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। मैं बस लास्ट मेरा ये वीडियो है, मैं अपनी जान, एक हफ्ता मेरा इस वीडियो के बाद में हम पूरा 2-3 दिन में पूरा सामान उठा के मैं और मेरे बच्चे परिवार दिल्ली के लिए रवाना होंगे, हिंदुस्तान के राजधानी में मरेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी सब लोग वहां पे है, सब लोग जानेंगे कि ये जवान के जो कागज जब खोल खोल के सब देखेंगे तो उस दिन बोलेंगे कि अरे भाई ये जवान सच्चा था। उस दिन आप बोलिए, उस दिन मीडिया में बोलिए, उस दिन प्रधानमंत्री जी आंसू बहाए, कोई हिंदुस्तान साहब आपको माफ नहीं करेगा। मैं अगर मैं गलत हूं तो साहब मुझे फांसी दीजिए, साहब फांसी दीजिए, मैं फांसी की सजा मांग रहा हूं। मैं कोई अपील रिविजन कुछ नहीं करूंगा, मैं एक भी आरोप, मेरे पे 11 चार्जशीट दिया है, एक आरोप सिद्ध हुआ तो मुझे फांसी दीजिए। मेरा बच्चा कुछ बोलना चाहता है, बोलो। नमस्कार, मेरा नाम MD खाजा निजामुद्दीन है, मैं MD जलील का बेटा हूँ। श्री कमानन जोपनी है जो मेरे पापा को बहुत बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे पापा के साथ, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे को और मेरे भाई को बस में नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, मुझे अस्थमा भी है, ये देखिए मेरे टैबलेट्स और ये मेरे बच्चे का अस्थमा 9 महीने हॉनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में, ये बच्चा पंप मारता था, स्कूल 7 किलोमीटर पैदल जाते थे। जब मैं घर में रहता तो मैं बच्चे को स्कूल ले जाके छोड़ता था, हॉनरेबल हाईकोर्ट के आदेश होने के बाद भी मेरे बच्चों को स्कूल बस में नहीं चढ़ने दिया। फिर 6 दिसंबर 2016 को हॉनरेबल हाईकोर्ट फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ था, कोर्ट का आदेश होने के बाद में फिर मेरे को बच्चों को हॉस्पिटल में जाने देते थे। मेरे भाई को और मेरे को बस में नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, स्कूल 7 किलोमीटर दूर है और हम लोग बारिश में भीगते हुए जाते थे स्कूल, और मेडिकल फैसिलिटी भी हमारा बंद कर दिया गया है। हमारा मेडिकल बुक इश्यू है मेरे बच्चे का, ये छोटे बच्चे का, ये छोटे बच्चे का मेडिकल बुक है, ये मेरा मेडिकल बुक है, इसके बाद ये मेरी वाइफ का है। ये कमांडेंट इतना तानाशाह, इसके काले करतूतों के खिलाफ हमने आवाज उठाया, हमारे साथ नाइंसाफी किया, हमें इंसाफ दीजिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा इस देश में, हम तो जान छोड़ने के लिए तैयार है। ये वीडियो हमारा लास्ट। मेरे पापा के साथ इंसाफ हुए, CBI से इंक्वायरी कीजिए।
अगर मेरे पापा के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध होता है तो फांसी की सजा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम जिनत तस्लीम, मोहम्मद जलील मेरे पति है। 2009 से दामन जोड़ी CSF में मेरे पति तैनात है। उनका सिर्फ इतना गुना था कि वो सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाए। क्या बड़े अधिकारियों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है? वो कुछ भी करो सही है। मेरे पति बिना वजह उनको डिसमिस किया गया, उनको नौकरी से निकाला गया। 3 साल से हमको बहुत परेशान करे। मेरे बच्चों को बस में स्कूल नहीं जाना दिया जाता था। कॉलोनी में कोई हम लोग से बात नहीं करते हैं। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हमें इंसाफ चाहिए। मेरे पति का कोई कसूर नहीं है। किसी को भी आज तक 11 चार्जशीट नहीं मिले। एक चार्जशीट में ही नौकरी चली जाती है। ये कमांडेंट जी के जैसे कोई नहीं है आज तक। इतने खराब कमांडेंट को हम लोग देखे भी नहीं। इतना परेशान किए हम लोग। 3 साल से इतना परेशान है, मन करता है कि मर जाए जी की। क्या करें हम लोग? 3 दिन से हम लोग ये वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हमारी अब तक कोई भी मदद नहीं मिली। मोदी जी से हमें यही विनती करती हूँ कि मेरे पति का इंक्वायरी किया जाए CBI से। आपके द्वारा CBI से और नहीं अन्य संस्था से इंक्वायरी कराया जाए। मोदी जी से मेरी यही विनती है। हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा मेनुद्दीन है। मेरे पापा CSF के एक ईमानदार फौजी है, जिन्होंने कमांडेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने मेरे पापा को सस्पेंड कर दिया। उन्हें 11 चार्जशीट दिया गया जबकि उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी। हमें बहुत, पापा के साथ साथ हमें भी बहुत परेशान किया गया। मुझे और मेरे भाई को, बहुत छोटा है, उसे स्कूल 7 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। स्कूल बस में चढ़ने नहीं दिया जाता था। मेडिकल फैसिलिटी भी बंद करवा दिया गया था। मुझे ये ग्राउंड में खेलने भी नहीं दिया जाता था। प्रधानमंत्री को मैं ये उनसे ये निवेदन करता हूँ कि मेरे पापा की CBI जांच करवाए, उनको न्याय दिलाए। अगर मेरे पापा उसमें कोई उनकी कोई गलती ये साबित होती है तो उन्हें इंडिया गेट के सामने फांसी दे दिए जाए। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अंत में मैं प्रधानमंत्री जी से इतना निवेदन करता हूँ कि मेरे पापा को जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए। ये मेरे लड़के को इतना मेडल मिला है। ये लड़का पूरा उड़ीसा में इतना मेडल लेके आया। देखिए, इतने सर्टिफिकेट मेरे बच्चे को मिला है। क्या मेरे को ना इंसाफ भी, मैं मर गया, मैं अगर मेरे बच्चे मर गया तो कोई हिंदुस्तान में किसी को माफ नहीं कर सकता है। अंत में मैं प्रधानमंत्री जी से इतना बोलता हूँ कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलवाए, वरना हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। ये मेरे बच्चे के मेडल है साहब, ये देखिए, पूरा हिंदुस्तान का जनता देखिए, प्रधानमंत्री जी देखिए, राष्ट्रपति जी, जितने भी मिनिस्टर है, मेरा बच्चा पूरा ओडिशा में नाम लाया है। ये बड़ा लड़का मेरे को इतना अन्याय किया है, मुझे मेरा दिल पूरा रो रहा। मैं क्या कर लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं टूट गया, मेरे को मदद करिए, मेरा इंसाफ दिलाइए। बस मैं यही मेरा लास्ट लास्ट वीडियो है। मैं प्रधानमंत्री जी सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं आखिरी टाइम पे मैं कुछ मेरे कागज जितने मेरे पास सबूत है पूरा मैं एक बार दिखा रहा हूँ। एक बार पूरा हिंदुस्तान का जनता देखिए कितना मेरे पास सबूत है। ये पूरा मेरा सबूत है, ये बच्चे के मेडल, ये सब कोर्ट के आर्डर आए, सब होने के बाद भी हमारे साथ नाइंसाफी किया गया। ये देखिए कागज, मेरे भाई मर गए तो भी छुट्टी नहीं किया। ये बक्सा भर कागज है। ये बक्सा लेके मैं दिल्ली जाऊंगा। पूरा दिल्ली में पूरे 20,000 पेज है। मैं पूरे इसको जिराक्स करके हर जगह हर मोड़ पे छोड़ दूंगा। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मैं अंतिम सांस पूरे बच्चे और परिवार के साथ हम खत्म हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
रिश्ता बाबू फिनिश।